प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू का सबक पढ़ेंगे और उर्दू के सबक में जीम के खानदान का इयादा करेंगे। ये कौन सा हर्फ है? जीम। ये कौन सा हर्फ है? जीम। सब मेरे साथ दोहराएं, जीम। शाबाश। दोबारा मेरे साथ दोहराएं, जीम। जीम के अंदर एक नुक्ता। दोबारा मेरे साथ दोहराएं, जीम के अंदर एक नुक्ता। अब हम जीम की बनावट करेंगे। नुक्ते पे पेंसिल रखें, ऊपर जाएं, आगे जाएं, नीचे आएं, चांद बनाकर लाइन के ऊपर आकर रुक जाएं। जीम के अंदर एक नुक्ता, जीम के अंदर एक नुक्ता। अब मैं आपको जीम से उसके ज़ख़ीरे अल्फाज बताऊंगी। जीम जहाज, जीम जहाज। सब देखते हैं ना, जहाज आसमान पर उड़ता है, ये वही जहाज है। जीम जहाज। जीम जग, जीम जग। जग में आप लोग पानी डालते हैं और फिर गिलास में निकालते हैं और फिर पानी पीते हैं। जीम जग, जीम जग। ये कौन सा हर्फ है? चे। कौन सा हर्फ है? चे। चे के अंदर तीन नुक्ते, चे के अंदर तीन नुक्ते। सब मेरे साथ दोहराएं दोबारा, चे के अंदर तीन नुक्ते। शाबाश। अब मैं आपको चे की बनावट बताऊंगी। नुक्ते पे पेंसिल रखें, ऊपर जाएं, आगे जाएं, नीचे आएं, चांद बनाकर लाइन के ऊपर आकर रुक जाएं। चे के अंदर तीन नुक्ते, चे के अंदर तीन नुक्ते। सब मेरे साथ दोहराएं दोबारा, चे के अंदर तीन नुक्ते। अब मैं आपको चे से उसके ज़खीरे अल्फाज बताऊंगी। चे चांद, चे चांद। चांद देखते हैं ना, जब रात होती है आसमान पर चांद निकल कर आता है, चे चांद। चे चूजा, चे चूजा, चे चूजा। चे चमचा, चे चमचा। सब खाना खाते चमचे से, चे चमचा। ये कौन सा हर्फ है? हे। ये कौन सा हर्फ है? हे। सब मेरे साथ दोहराएं, हे। हे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता और हे के अंदर भी कोई नुक्ता नहीं होता। हे। दोबारा मेरे साथ दोहराएं, हे। अब मैं आपको हे की बनावट बताऊंगी। नुक्ते पे पेंसिल रखें, आगे जाएं, ऊपर जाएं, आगे जाएं, नीचे आएं, चांद बनाकर लाइन के ऊपर आकर रुक जाएं। हे। शाबाश। सब दोहराएं मेरे साथ, हे। ये कौन सा हर्फ है? हे। अब मैं आपको हे से उसके ज़ख़ीरे अल्फाज बताऊंगी। हे हलवा। सब मेरे साथ दोहराएं, हे हलवा। मम्मा बनाती है ना हलवा सबके घर में, हे हलवा। हे हलीम। सब हलीम शौक से खाते, हे हलीम। हे हुक्का, हे हुक्का। अब हम पढ़ेंगे खे। अब हम पढ़ेंगे खे। खे के ऊपर एक नुक्ता। सब मेरे साथ दोहराएं, खे के ऊपर एक नुक्ता। अब मैं आपको खे की बनावट बताऊंगी। नुक्ते पे पेंसिल रखें, ऊपर जाएं, आगे जाएं, नीचे आएं, चांद बनाकर लाइन के ऊपर आकर रुक जाएं। खे के ऊपर एक नुक्ता। सब मेरे साथ दोहराएं दोबारा, खे के ऊपर एक नुक्ता। शाबाश। अब मैं आपको खे से उसके ज़ख़ीरे अल्फाज बताऊंगी। खे खरबूजा।
सब शौक से खाते खरबूजा। खे खरबूजा, खे खुबानी, खुबानी में सब शौक से खाते खे खुबानी। खे खरगोश, खे खरगोश, और कुछ बच्चे बहुत शौक से खरगोश को पालते भी। आज के लिए इतना ही काफी है, अब हम नए सबक के साथ दोबारा आएंगे।